हेलो गाइज, तो इस वीडियो में देखेंगे सेफ्टी ब्लॉक का डिज़ाइन कटिया में कैसे क्रिएट करना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस सेफ्टी ब्लॉक का मैं ये फ्रंट वाला पोर्शन क्रिएट करूँगा और उसे पैड करूँगा। तो मैं ये प्लेन सेलेक्ट करके यहाँ पे उसका स्केच ड्रॉ करता हूँ। तो हमें इस आर्क के सेंटर पॉइंट से लेके टॉप तक डिस्टेंस दिया है 22 mm। आर्क का रेडियस है 12 mm। इसके बाद नीचे का लेंथ और ये ऊपर के लेंथ हमें दिए गए 7 mm। पार्ट का लेंथ है 54 और हाइट है 50। अब मैं इस आर्क के सेंटर पॉइंट को इस इंक्लाइन लाइन के साथ कोइंसाइड करता हूँ और ये हमारा पार्ट कंसर्न हो गया। तो अब मैं इसे पैड करूँगा, ये हो जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में। और हमें इसका पैड वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो वो हो जाएगा टोटल लेंथ में से, ये बाकी सारे लेंथ हम डिलीट कर देंगे तो हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगा 20। तो ये पोर्शन क्रिएट होने के बाद अब मैं इसके आगे का ये रेक्टेंगुलर पोर्शन क्रिएट करूँगा। तो उसके लिए मैं ये फेस सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। और अब इस रेक्टेंगल को मैं कंसर्न कर रहा हूँ। तो हमें इसका लेंथ दिया गया है 65 mm। तो अब मैं इसे पैड करूँगा, इसका पैड वैल्यू हमें दिया गया है 13 mm। तो इसके बाद मैं इसके आगे का ये इंक्लाइन पोर्शन क्रिएट करूँगा। तो मैं ये फेस सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे उसका स्केच ड्रॉ करता हूँ। और इस स्केच को मैं कंसीन करता हूँ। तो हमें इसका नीचे से हाइट है 30 mm और ये ऊपर का रिब वाला लेंथ है 7 mm। तो हमारा पोर्शन ये कंसर्न हो गया। अब मैं इसे पैड करूँगा, इसका पैड वैल्यू हमें दिया गया है 13 + 19 mm। तो हमें इस इंक्लाइन फेस पर और एक ऊपर पोर्शन क्रिएट करना है। तो मैं ये फेस सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे उसका स्केच ड्रॉ करता हूँ और इसे भी मैं कंसीन करता हूँ। तो हमें इसका लेंथ दिया गया है एंड से लेके यहाँ तक 35 mm, यानी इस एंड से इस एंड तक 35 mm। और अब इसे मैं पैड करूँगा। तो ये हो जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में और हमें इसका पैड लेंथ दिया गया है 13 mm। तो इसके बाद मैं ये सबसे लास्ट वाला इंक्लाइन पोर्शन क्रिएट करूँगा। तो मैं ये फेस सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे उसका स्केच ड्रॉ करता हूँ। और इसे कंसीन करता हूँ। तो मैं इसका नीचे से हाइट है 20 mm और ये ऊपर का रिब वाला लेंथ है 7 mm। तो अब मैं इसे पैड करूँगा, इसका पैड वैल्यू हमें दिया गया है 25 mm।
जिसके बाद लास्ट में आप देख सकते हो हमें यहाँ पे एच फिलेट दिया गया है जिसका रेडियस है 15। तो मैं ये एच सिलेक्ट करता हूँ और रेडियस 15, और इसके साथ ही हमारा ये पार्ट क्रिएट हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।